बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि कोई इस्तखारा करवाना तो उसके लिए आपको इजाज़त आम है, आप हमारे चैनल पर आके तो अपना इस्तखारा करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेहतर होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ आज का जो वजीफ़ा है बहुत प्यारा है, बहुत नायाब, आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे ये वजीफ़े जो हैं आपके साथ पेश किए जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इलाही है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने वाले को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने वाले को पसंद फरमाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बेचारी या बेवा औरत या किसी मस्कीन हाजतमंद के लिए दौड़े धूप करने वाला यानी भागने वाला, उसकी मदद करने वाला बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बंदे की मिसाल के बराबर है। इसका छोटा सा मफहूम मैं आपको समझा दूं कि जब आपको कोई ज़ाहिर परेशान हाल किसी को भी देखते हो और आप भागकर उसकी मदद करते हो और उसकी तकलीफ़ को ख़त्म करते हो, किसी बुज़ुर्ग की भी तकलीफ़ को आप ख़त्म करते हो, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि अगर आपने मदद की तो आपको उसका सवाब नहीं मिला, आपको उसका सवाब ज़रूर मिलता है। इसी के साथ आज का वजीफ़ा मैं आपके सामने पेश करने लगी हूँ। 2 मिनट में आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिससे चाहते हैं कि वो हमारा प्यारा हमसे नाराज़ ना हो और वो हमसे बोलने लग पड़े, हमारे कितनी भी दूर है। एक मैंने वजीफ़ा सेंड किया था तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। उसमें थोड़ा सा ये था कि वो कह रहे थे कि अगर वो यहाँ समुंदर पार हो या मुल्क से बाहर हो तो कुछ भी हो, अल्लाह का कलाम हर जगह जाता है। ठीक है, अल्लाह के कलाम की बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ये अमल किसी दुश्मन के लिए भी पढ़ेंगे ना तो उसके दिल में भी आपके नाम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आपकी बात मानने, अगर कोई शादी के लिए करना है, मतलब कि किसी की शादी होने वाली है वो करना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वजीफ़ा करें तो देखिएगा, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये ऐसा लाजवाब वजीफ़ा है, इसका इसके बहुत फ़ायदे हैं और वो मान जाएंगे। और जिससे आप शादी करना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के लिहाज से वो भी इंशाल्लाह आपके घर रिश्ता भी लाएंगे और मानेंगे भी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अगर आप, मैं आपको 2 आज तरीके बताऊंगी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको तेल बनाने का बताया था और एक मैंने अत्तर बनाने का बताया था, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि पहले मैं इस वीडियो में आपको तेल बनाने का तरीका बताऊँगी कि जो अपने प्यारों को आपकी तरफ खींच के लाने वाला जो ऑयल है, जो आप चेहरे पे लगा सकते हैं, वो कैसे आप बनाएंगे। ख़वातीन हज़रात, तो ये है कि बहनें जो हैं वो हर वक्त माशाल्लाह वो अपनी स्किन के लिए जो है क्रीम वगैरह इस्तेमाल करती हैं। क्रीम से मुझे याद आ गया कि इंशाल्लाह आपकी जितनी रिक्वेस्ट हमसे मतलब ये की जा रही है तो कि आप हमें स्किन के लिए भी हम जो है बताया करें, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी किसी डॉक्टर से पहले मैं बात कर लूँ, अगर वो मुझे अपनी टिप्स वगैरह बेहतर जो आपके लिए है वो देते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ टिप्स भी शेयर कर दिया जाए करेगी। अब आपने करना क्या है, अब तेल जो सा है वो आप जैतून का ले लें या फिर बादाम का तेल लें, बादाम का तेल ले लें या जैतून का, दो तेल में से एक आपने लेना है। गिरी का तेल भी ख्वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं अपने चेहरे पे, तो गिरी का तेल ले लें, ये 3 तेल चलें आप ले लें। अब आपने पढ़ना क्या है, या वुदू दू, इशा की नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़कर आपने तेल के ऊपर दम कर लेना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ या 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने जो है पढ़ना है। इस अमल को, इस तेल को 11 दिन तक अगर आप करते हैं, दम करते हैं, तो एक ये ऐसा नयाब आपके लिए बन जाता है कि आपकी सोच है। और अगर आप तो आप अगर चाहते हैं कि अगर आप मतलब कि 11 दिन तक इसकी माशाल्लाह पढ़ाई कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत नायाब है। आप जुमे रात वाले दिन से इस अमल को शुरू करेंगे, ये अमल किसी भी शख्स के दिल में आग की तरह मोहब्बत को, चाहत को, चाहे वो कितना ही आपका प्यारा है, दूर चला गया है, यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, तो आप उसका नाम लेके ये जो ऑयल है आपने तैयार करना है, साथ में दुआ मांगनी है। आपने बस जब ये तैयार हो जाए
3 दिन अगर आपने करना है 3 दिन करें, 7 दिन करें या फिर 11 दिन करें इस अमल को। करने के बाद दुआ मांग के अल्लाह से ये ऑयल जो है आप अपने पास रख लें। अगर तो वो आपको मतलब के मिलता है या आप मतलब के आपके आसपास ही है, तो फिर आपने रोज़ाना 2 कतरे आपने ड्रॉप्स ले लेने हैं, वो आपने हाथ पे डाल के अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर देने। चेहरे के ऊपर आपका जैसे जैसे ऑयल लगेगा, ठीक है, इतनी ही उसको उसके चेहरे पे जलन हुआ करेगी, इतनी ही उसको आपकी तड़प महसूस हुआ करेगी। ये एक ऐसा ऐसा नया ऑयल है, ये ऐसा ऑयल जो सा मैंने आपको तैयार करना बताया, इसका ये फायदा है कि आप जिस हिस्से पर भी आप लगाओगे, हाथ पर, बाजू पर, चेहरे पर, गर्दन, उसको इतनी जलन महसूस होगी और उस जलन से ये बस होगा कि वो आप तक उसकी जो है तड़प को ना वो ऐसे बुलंद कर देगा, आपकी तड़प उसको इतनी महसूस होगी, तलब महसूस होगी, तो वो फौरन आपकी तरफ ना रुजू कर लेगा। ठीक है, बहुत प्यारा वजीफा, एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। आयल तैयार करें अपने प्यारों के लिए। फ़र्ज़ करें अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है जिसको आप बुलाना चाहते हो, ठीक है, अचानक ही वो आ जाता है, तो तब भी आप ये लगा सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर वो दूर है तो तब भी रोज़ाना लगाया करें, तो देखिएगा उसको कितनी जलन अपनी स्किन के ऊपर, ऐसे उसको लगेगा जैसे पता नहीं उसको क्या महसूस हो रहा है, ऐसी आग सी लगा करेगी। आप एक दफ़ा करके देखिएगा, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको बेचैन होके 21 नहीं तो 40 दिन के अंदर अंदर आपसे रब्ता शुरू कर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है। इसी के साथ ये बहन इजाज़त चाहती है, अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।